हेलो बडी, कैसे हैं आप सब। वेल, डार्क वेब स्टोरीज इन हिंदी के इस एपिसोड में हम आपको डार्क वेब मार्केट के बारे में बताएंगे, तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। डार्क वेब के केंद्र में एक भूमिगत नेटवर्क है जिसे डार्क वेब मार्केट के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां लोग अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने के डर के बिना जो चाहे खरीद और बेच सकते हैं, लेकिन बाजार जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। एक दिन एना नाम की एक युवती डार्क वेब मार्केट में आई। वो एक ऐसी दुर्लभ पुस्तक की तलाश में थी जो उसे कहीं और न मिल रही थी। जैसे ही उसने साइट पर नेविगेट किया, उसने देखा कि ऐसे कई कैटेगरी थे जिन्होंने उसकी रुचि को बढ़ाया। हथियारों, ड्रग्स और यहाँ तक मानव तस्करी के अलग अलग कैटेगरी थे। एना ने जो देखा उससे वह बुरी तरह डर गई, लेकिन फिर भी वह साइट पर बनी रही। जैसे ही उसने साइट को स्क्रॉल किया, वो एक रहस्यमय काल्पनिक वस्तु की एक सूची में आई। विवरण अस्पष्ट था, लेकिन कीमत अत्यधिक थी। एना की जिज्ञासा ने उसे अंधा कर दिया और उसने उस आइटम को खरीदने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद एना के दरवाजे पर एक पैकेज आया। अंदर एक छोटा जटिल नक्काशी वाला बक्सा था। जब उसने उसे खोला तो उसे एक अकेला काला पत्थर मिला। यह किसी भी चीज से अलग था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही उसने पत्थर की जांच की, उसने देखा कि यह एक फीकी चमक छोड़ने लगा और उसने एना को अपने अंदर खींच लिया। उसे एक अंधेरी मुड़ी हुई दुनिया में ले जाया गया। वह ऐसे प्राणियों से घिरी हुई थी जिन्हें वह केवल राक्षसों के रूप में वर्णित कर सकती थी। एना ने महसूस किया कि उसने जो काल्पनिक वस्तु खरीदी थी वह एक अंधेरे आयाम का एक पोर्टल था। उसने अपनी दुनिया में लौटने की बहुत कोशिश की, लेकिन पत्थर उसे वापस नहीं ले गया। भागने के लिए बेताब, एना ने हैकर्स के एक समूह की मदद मांगी जिन्हें डार्क वेब मार्केट तक पहुंचने के लिए जाना जाता था। वे मेक्सिको के एक सुदूर गांव में पत्थर बेचने वाले का पता लगाने में सक्षम थे। एना ने गांव की यात्रा की जो देश के एक दूरस्थ हिस्से में स्थित था। जब वह पहुंची तो उसने पाया कि गांव सुनसान था। एकमात्र इमारत जो अभी भी खड़ी थी वह एक प्राचीन मंदिर था। एना जानती थी कि यही वह जगह है जहां उसे विक्रेता मिलेगा। जैसे ही उसने मंदिर के माध्यम से अपना रास्ता बनाया, उसे अधिक से अधिक राक्षसी प्राणियों का सामना करना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वे किसी चीज की रखवाली कर रहे हैं। अंत में वह मंदिर के आंतरिक गर्भगृह में पहुंची। वहां उसने विक्रेता को पाया, एक प्राचीन मुरझाया हुआ आदमी जो सदियों से जीवित था। उसने उसे बताया कि पत्थर अंधेरे आयाम का प्रवेश द्वार था और वह भाग्यशाली थी कि बच गई। एना ने उस बुरे व्यक्ति से उसकी दुनिया में लौटने में मदद करने के लिए विनती की, लेकिन उसने उससे कहा कि यह असंभव था। पत्थर उसे ऐसी जगह ले गया था जहां से कोई वापसी नहीं थी। हारकर एना डार्क वेब मार्केट में लौट आई। उसने दूसरों के लिए काल्पनिक वस्तु न खरीदने और डार्क वेब मार्केट से पूरी तरह दूर रहने की चेतावनी दी। उस दिन से एना उस अंधेरे आयाम में हमेशा के लिए फंस गई और उस दुनिया में वापस जाने का रास्ता खोज रही है जिसे वह पीछे छोड़ आई थी। तो ये था डार्क वेब स्टोरी का आज का एपिसोड। कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।